भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को फूल माला पहनाकर और जोत जलाकर नम्र आंखों से याद किया और पत्रकारों को बताया कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मात्र 33 साल की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने और देश को नई दिशा प्रदान की। उनके विचारों और उनकी जीवनी से अवगत कराया, साथ ही धारा 370 का भी जिक्र किया गया और बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को कोई विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए, यह भी भारत के अन्य राज्यों की तरह ही भारत का ही अभिन्न अंग रहे और गृह मंत्री अमित शाह ने वह कर दिखाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने उनकी मृत्यु को भी रहस्यमय बताते हुए 1955 में इसकी जाँच की मांग की थी और नेहरू जी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। जांच की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का जिम्मेदार जम्मू कश्मीर सरकार को ठहराया गया था। जेपी नड्डा ने उस चिट्ठी के कुछ अंश पढ़कर भी सुनाए। विचारों के कारण उन्होंने नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया। एक इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और औद्योगिक नीति की एक तरीके से नींव रखी, लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार के कारण पद को छोड़ते हुए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उस समय नेहरू की जो तुष्टीकरण की नीति थी उससे वह दुखी होकर के उन्होंने भारतीय जनसंघ को स्थापित करते हुए देश को मजबूत और अखंड रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो एक विशेष स्टेटस जम्मू कश्मीर को देता था, जिसका अपना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अमित भाई शाह जी के गृह मंत्री जी के रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही किया और आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर धारा 370 समाप्त करके स्पेशल स्टेटस समाप्त करके वह भारत का अभिन्न अंग बना है और जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था उसको हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति ने और उनके दृढ़ संकल्प ने उसको पूरा किया है। जिस बात के लिए जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रही है कि हम भारत के राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, उसको पूरा करने का काम किया है। आज सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम यही दे सकते हैं कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, देश को मजबूत रखें और देश की मजबूती के लिए हम सब लोग काम करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।